नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरी चैनल टारगेट सीटेड में आपका स्वागत है। जी हां, आज बोलिएगा सर, आज आपका चैनल बदल क्यों गया है? तो हम आपको बता दें कि मेरा जो बिट्टू एडवाइजर का चैनल था वो 15 दिन के लिए अपलोडिंग उस पर बंद कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से, यानी कि सेकेंड वीक के लिए 2 सप्ताह के लिए उसमें आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। हो सके भविष्य में वो चैनल बंद भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे मुझे वीडियो डालने का अलाउ नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में इस चैनल पे आना पड़ रहा है। ये चैनल भी मेरा है। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10 से 15 दिन का जो इन्फॉर्मेशन होगा फिलहाल हम इसी चैनल पे आपको देंगे, क्योंकि वहाँ पे मुझे वीडियो अपलोड करने का कोई अलाउ नहीं है। अब बात करते हैं मुद्दे पे। लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं EWS को लेकर कि सर EWS प्रमाण पत्र मेरा 1 साल का हो गया है, नया लगेगा या पुराना लगेगा? तो आपको हम क्लियर कर दें, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर 1 साल से ऊपर हो रहा है या 1 साल होने वाला है तो उसे आप चेंज कर लीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि जिस समय आप जाइएगा उस समय आप जायज में भी रहेंगे तो आपको अधिकारी मानेंगे नहीं कि हमको न्यू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि बरगलाना उनका काम होता है, परेशानी करना अभ्यर्थियों का उनका काम होता है, वो किसी तरह से आपको परेशान ही करेंगे। सहायता करने वाले कम ही लोग मिलते हैं, अगर 100 लोग में आपको 10 लोग सहायता करने वाले मिलेंगे, 90 लोग आपको परेशानी करने वाले मिलेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि EWS का जो प्रमाण पत्र है अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए न्यू। अगर 2019 में फार्म भरने वक्त अगर आप वो डाले हैं तो लाजमी है कि उसका डेट अब खत्म हो गया होगा, क्योंकि EWS का प्रमाण पत्र जो होता है वो 1 साल की वैलिडिटी के साथ होता है। तो आप या जिसको 1 महीना भी अगर बच रहा है, मान लिया कि नवंबर हो गया, दिसंबर 11 महीना हो गया, 12वां चल रहा है, तो वो जुलाई आते आते शायद खत्म हो सकता है, इसलिए अभी से ही आप बनाने के लिए दे दीजिए ताकि समय आते आते आपका वो EWS प्रमाण पत्र बन जाए। एक चीज और हम क्लियर कर दें कि बहुत सारे EWS ब्लॉक स्तर पे बनाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ब्लॉक स्तर से ही बना ले, उसको बनाने के बाद आप अनुमंडल स्तर से ही बना ले, क्योंकि बहुत जगह फॉर्म भरने में अप्लाई करने में अनुमंडल स्तर से मांगा गया था, कहीं कहीं ब्लॉक स्तर का भी ले लिया गया है। हो सके काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम करे तो पहले ब्लॉक स्तर का बनाइए, ब्लॉक स्तर के बनने के बाद ही अनुमंडल स्तर का बनता है, तो आप दोनों बना के रखिएगा तो हो सके उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि कुछ खर्चा कुछ परेशानी के चलते अगर उस समय आपको कहेगा कि नहीं हमको अनुमंडल का चाहिए तब उस वक्त आप क्या कीजिएगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो ये सब परेशानी से आप लोग बचिए और जो डॉक्यूमेंट है वो कम से कम डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। बहुत सारे लोगों का निगेटिव कमेंट आता है, बोलते हैं सर अभी ये सब की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए जरूरत नहीं है, कब आपका काउंसलिंग शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा ये कोई ठीक नहीं है। 25 तक विकलांग लोगों का आवेदन लिया जा रहा है, आवेदन लेने के बाद हो सके उसी टाइम काउंसलिंग का शेड्यूल कर दे, हो सके 7 दिन का आपत्ति करने का टाइम भी दे दे, वो तो फिर क्या कीजिएगा, आप छटपटाते रह जाइएगा। बहुत सारे ब्लॉक अभी कितना बंद रहते हैं, बहुत सारे स्ट्राइक पे चले गए हैं ब्लॉक कर्मी, तो ये चीज पहले से आप डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। क्या है 100-150 खर्चा होगा, 1 दिन की परेशानी होगी, लेकिन आप डॉक्यूमेंट से तो रेडी रहिएगा ना। डॉक्यूमेंट से जितना भी आपका जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम कम से कम दूर हो जाएगा, अगला को आप बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बहाली अभी फंसेगी, बहुत सारे केस अभी लदा हुआ है इस शिक्षक बहाली पे। तो देखिए जो निगेटिव बातें हैं, निगेटिव चीजें चल रही है उस पर आप इग्नोर करके ही चलिए, वो अच्छा होता है। शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार की तरफ से बहाली अभी चल रही है तो 80-90% तो समझिए कि बहाली चलेगी ही, खत्म तो होगी नहीं, आपका शेड्यूल जारी हो गया है सब चीज का, फॉर्म भरने का गिर गया। अब भविष्य में क्या होगा तो भविष्य को लेकर नहीं चलिए, प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको लेके चलिए तो वो आपके लिए फायदा होगा। आप भविष्य में सोचिएगा है अभी हम कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाते, भविष्य में तो केस फंस भी सकता है, ये भी हो सकता है, और हो सके सब सारा काम एक के बाद आपके पास आ जाए कि हम जुलाई में शेड्यूल लेने वाले, काउंसलिंग करवाने वाले हैं, फिर आप सर मेरा ये नहीं बना, मेरा कैसे बनेगा, फिर आप खुद परेशान होइएगा, अब दूसरे के चलते आप खुद परेशान होइएगा। ये सब थोड़ा सा गौर कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा, 1 दिन की परेशानी आपकी लाइफ बचा सकती है, नौकरी दिलवा सकती है। एक चीज और बता दें कि 11 तारीख को शायद दिसंबर वाले जनवरी वाले आंदोलन कर रहे हैं, गए थे शायद वो लोग थाना गए थे आंदोलन के परमिशन के लिए, तो उनको ये बता दिया कि 4 जजमेंट आप लोगों के खिलाफ आ चुका है, कि जो कट ऑफ रखा गया है 23 नवंबर रखा गया है, उस कट ऑफ के हिसाब से आपको अलाउ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो हम दिसंबर जनवरी से अपील करना चाहते हैं, देखिए आप लोग जो इतना कर रहे हैं
बेचारे जो 1.25 लाख टीचरों के बेरोजगार बैठे हों, उनको कम से कम तो नौकरी लेने दीजिए। मानते कि आप भी नौकरी करने लायक हैं, लेकिन सरकार के अनुसार, नियम के अनुसार आप तो कट ऑफ डेट के अनुसार एलिजिबल ही नहीं हैं। आप सीधे चाहते हैं कि नहीं हम करेंगे नहीं, करने देंगे, तो जो बेचारे जुलाई वाले हैं, बेरोजगार हैं, उनको घर जाके देखें कितनी परिस्थिति, कितना ख़राब है। अगर आपको मांग ही करना है तो आप ये कहिए उनसे कि आप बहाली ये कंप्लीट करके हमको नेक्स्ट बहाली का मौका दे, नेक्स्ट बहाली आप निकालिए। अगर इस बहाली को जितना आप लटकाइएगा तो लाजमी है कि पीछे वाला भी बहाली आपका लटकेगा, क्योंकि सरकार की मंशा बना ही लिए कि हम आपको लेंगे ही नहीं, पूरा क्लियर कर दिया। पटना हाईकोर्ट में भी बोल दिया कि हम दिसंबर वालों को नहीं लेंगे, कट ऑफ के अनुसार जो नियम है उस नियम के अनुसार हम आपको नहीं लेंगे। तो फिर इतना झंझट नहीं रखना चाहिए, आप सीधे ये कहिए कि बहाली कंप्लीट हो, हमको नेक्स्ट बहाली में मौका दे, और नेक्स्ट बहाली जितना जल्दी आप उसको मांग कीजिए वो बेटर होगा। जिस तरह से यूपी में देखिए 97,000 टीचरों की बहाली के लिए मांग कर रहे लोग, ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, उसी तरह से आप इसका भी ट्विटर कैंपेन चलाइए, वो बेटर होगा। अगर इसमें आप शामिल, जब एक बार सरकार मना कर दी है, पटना हाईकोर्ट की तरफ से मना हो गया है, तो फिर आप अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, ये बहाली हम होने नहीं देंगे, तो ऐसे बेचारे लोग, वो लोग क्या करेंगे? उनके प्रति भी सोचिए, उनका घर द्वार भी चल रहा है, उनके प्रति भी सोचिए, वो ठीक रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और भी कुछ अपडेट देखिए, और भी कुछ अपडेट आता रहता है छोटा मोटा, वो अपडेट हम आपको इसी चैनल पे देते रहेंगे। अगर आपको किसी तरह का परेशानी हो तो इसी चैनल पे कमेंट कीजिए, उस चैनल पे जो वीडियो डालें वो वीडियो चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी आ गई है तो हम क्या करें, कल से हम वीडियोस पे नहीं डाल रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं वीडियो डालने के लिए, लेकिन अपलोडिंग सीधे फैल लिख दिया कि 2 वीक के लिए, 14 दिन के लिए, 2 सप्ताह के लिए आपका जो अपलोडिंग है वो हम रोक दिए हैं। तो अगर मान लीजिए कल से रुका हुआ है तो 14 दिन जोड़ लीजिए, 24 या 25 तारीख को शायद ओपन होगा, तो 24-25 तक जितना इन्फॉर्मेशन आएगा वो हम उस पर दे नहीं सकते, तो डायरेक्ट हम आपको इसी चैनल पर देंगे। तो हम चाहते हैं कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। क्योंकि बहुत सारे इस बीच में, अगर हो सके इसी बीच में काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाए, आप उस चैनल का इंतजार करें तो उस पर वीडियो तो जाएगा नहीं, जो वीडियो जाएगा तो इसी पर जाएगा। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो पल पल का अपडेट पाना चाहते हैं, जो हमसे जुड़ाव रखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग भी हैं उनको भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम जो रिपोर्टिंग करेंगे, हम जो जानकारी देंगे वो आपको सही जानकारी देंगे और पॉजिटिव जानकारी देंगे, आपको वर्गलाने वाला काम नहीं करेंगे, आपको गुमराह करने वाला काम नहीं करेंगे कि आप ऐसे कीजिए आप वैसे कीजिए, वो काम मेरा नहीं रहता। मेरा जो काम रहता है वो सही रहता है, सबको सही रास्ते पर ले जाना, सही दिशा दिखाना, वो मेरा काम रहता है। तो हम इसीलिए इस चैनल पे आए हैं, और 15 दिन तक आपको इसी चैनल पे रोज वीडियो मिलते रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो नीचे पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।